أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। औरतें किस तरह इत्तकाफ करें, इत्तकाफ में क्या काम करने सही हैं, क्या काम करने सही नहीं हैं, इत्तकाफ किस जगह करना चाहिए, इसके मुतालिक तमाम मामलात के बारे में आपको आगाह करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और अपने इल्म में इजाफा कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम माहे रमज़ान का पूरा महीना भी इत्तकाफ़ फरमाया करते और आखिरी 10 दिन का ख़ास तौर पर अहतमाम फरमाया करते, यहाँ तक कि एक बार किसी ख़ास उज़र के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में इत्तकाफ़ ना कर सकें तो शवाल मुकर्रम के आखिरी अशरा में इत्तकाफ़ फरमाया। पिछली उम्मतों में भी इत्तकाफ़ की इबादत मौजूद थी। चनाचा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 145 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान अलीशान है, तर्जुमा, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ वालों और इत्तकाफ वालों और रकू और सुजूद वालों के लिए। कुरान पाक की आयत से हमें पता चला कि इत्तकाफ करना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला इत्तकाफ का हुक्म फरमाता है। इसके हवाले से एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक है, वो भी आपको सुनाती चलूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत फरमाती हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से इत्तकाफ़ किया उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, बख्श दिए जाते हैं। तो यहाँ में पता चला कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इत्तकाफ़ फरमाते थे। तो अब हमने औरतों का इत्तकाफ़ के बारे में पता करना है कि क्या औरतें भी इत्तकाफ़ कर सकती हैं, किस तरीके से कर सकती हैं। इत्तकाफ़ जो है वो सुन्नत मौकदा अलल कफाया है। अगर पूरे शहर में किसी एक ने भी कर लिया तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा, और अगर किसी एक ने भी ना किया तो सभी मुजरिम होंगे। इत्तकाफ़ क्या है? सुन्नत मौकदा अलल कफाया है कि अगर किसी एक ने भी कर लिया पूरे शहर में तो ये अदा हो जाएगा। अब मैं औरतों के हवाले से आपको बताऊँगी कि हज़रत आयशा सदीका से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में इत्तकाफ़ फरमाया करते थे। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात ज़ाहरी अता फरमाई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहररात इत्तकाफ़ किया करती थी। तो यहाँ इस हदीस से हमें औरतों के इत्तकाफ़ के बारे में पता चलता है कि औरतें भी इत्तकाफ़ कर सकती हैं। अब औरतें किस जगह इत्तकाफ़ करें, इत्तकाफ़ में क्या काम ना करें, उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि औरतें मस्जिद में नहीं सिर्फ मस्जिद बैत में इत्तकाफ़ करें। मस्जिद बैत उस जगह को कहते हैं जो औरत घर में अपनी नमाज के लिए मखसूस कर लेती है। औरतों के लिए मुस्तहब भी ये है कि घर में नमाज पढ़ने के लिए जगह मुकर्रर करें और उस जगह को पाक और साफ़ सुथरा रखें, और बेहतर ये है कि उस जगह को घर से अलग रखें, मतलब घर में कोई एक मखसूस जगह बना लें, किसी कमरे में बना लें या किसी ऐसी जगह बना लें जहाँ पर ज़्यादा आमदरफ्त ना होती हो, मतलब घर से मस्जिद बैत उस जगह को कहते हैं, इस जगह को साफ़ सुथरा रखें और इसी जगह इत्तकाफ़ कर लें। अगर औरतों ने नमाज के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं कर रखी तो घर में इत्तकाफ़ नहीं कर सकती, पर अलबत्ता अगर उस वक्त यानी जब इत्तकाफ़ का इरादा किया हो, किसी जगह को नमाज के लिए ख़ास कर लिया, उस जगह इत्तकाफ़ कर सकती हैं। किसी और के घर जाकर औरत इत्तकाफ़ नहीं कर सकती। शोहर की इजाज़त के बगैर भी बीवी इत्तकाफ़ नहीं कर सकती, उसके लिए जायज़ नहीं है कि औरत शोहर की इजाज़त के बगैर इत्तकाफ़ करे। शरी ज़रूरियात के बगैर जाए इत्तकाफ़ से निकलना जायज़ नहीं है, वहाँ से उठ कर घर के किसी और हिस्से में भी नहीं जा सकती, अगर जाएगी तो इत्तकाफ़ टूट जाएगा। औरत के लिए भी इत्तकाफ़ की जगह से हटने के वही अहकाम हैं जो मर्दों के हैं, यानी जिन ज़रूरियात की वजह से मर्दों का मस्जिद से निकलना जायज़ है, उन्हीं कामों के लिए औरतों को भी इत्तकाफ़ की जगह से हटना जायज़ है, और जिन कामों के लिए मर्दों को मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं है, उन्हीं कामों के लिए औरतों को भी अपनी जगह से हटना जायज़ नहीं है। बेहतर ये कि इत्तकाफ़ के दौरान सारी तवज्जो तिलावत, ज़िक्र व दुरूद, तस्बीहात और दीनी मुतालिया और इबादत की तरफ रखें। अगर इत्तकाफ़ के दौरान किसी औरत का इत्तकाफ़ किसी वजह से टूट जाता है तो उसकी कज़ा करने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने 3-4 दिन के इत्तकाफ़ कर लिया है, इसके बाद आपका इत्तकाफ़ टूट जाता है,
तो उसकी आपको कज़ा करनी होगी। और वो किस तरह से करनी होगी? आपने माह रमज़ान के आखिरी अशरे का तकाफ किया और किसी वजह से टूट गया तो 10 दिन की कज़ा करना ज़रूरी नहीं होगा। आपके ज़िम्मे सिर्फ उस एक दिन की कज़ा है जिस दिन एतकाफ टूटा है। अगर माह रमज़ान शरीफ के दिन अभी बाकी हैं तो उनमें भी कज़ा हो सकती है। अगर रमज़ान शरीफ गुजर गया तो फिर किसी दिन कज़ा कर लीजिए और उस दिन रोज़ा भी रखिए, मगर ईदुल्फितर, ज़ुलहज्जतुल हराम की 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं के अलावा इन 5 दिनों के रोज़े मकरूह तहरीमी हैं। कज़ा का तरीका क्या है? मतलब कि इन 5 दिनों के अलावा किसी दिन भी रोज़ा रख के एतकाफ़ की कज़ा कर सकती है। कज़ा का तरीका यह है कि किसी दिन ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त बानियत कज़ा एतकाफ़ मस्जिद बैत में दाखिल हो जाए। अब जो दिन आएगा उसके ग़ुरूब आफ्ताब तक एतकाफ़ में रहे और इसी दिन रोज़ा भी रखे तो ये आपकी एतकाफ़ की कज़ा भी होगी। जिसका एतकाफ़ टूटा उसी दिन की कज़ा भी होगी। उम्मीद है कि आपको एतकाफ़ के बारे में जो बयान किया गया है उसकी समझ आ गई होगी। जज़ाकअल्लाह खैर।